आप नाश्ते से फारिग हो जाएं तो फिर आपा की तरफ चलते हैं नाश्ता लेकर। कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है जवार, शादी जितनी अफरा तफरी में हुई उसमें हम किसी बात का ख्याल ही नहीं रख सके। बाकी की रस्में तो हमें करनी पड़ेंगी ना, मेहर का नाश्ता तो जाना चाहिए, फिर आपा भी तो इंतजार कर रही होंगे। मैंने कहा ना कि नाश्ता नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। तुम्हें क्या लगता है, मेहर ने जो हमारे साथ किया है वो मैं सब भूल भाल के उसे बुरी मोहब्बत दूंगा? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने अपनी बेटियों को बेजा आजादी दे दी। मुझे भी उन्हीं माँ बाप की तरह इन्हें रखना चाहिए था जो जो बेटियों को दबा के रखते हैं, उन पे एतबार नहीं करते हैं। पहले मैंने अपनी बहन पे एतबार किया, दोनों बेटियों पे एतबार किया, क्या मिला मुझे? लोगों की तरह तरह की बातें और इनकी नजरों ने मेरे जिगर को छलनी कर दिया है। क्या करूं, किसे अपने जख्म दिखाऊं? जबकि जख्म देने वाली मेरी अपनी बेटी है। ये सब तो होना ही था, क्योंकि हमेशा मेरे हिस्से की खुशियां आप लोगों ने मेहर की झोली में डाली हैं। इस बार भी ऐसा ही हुआ। रोजारा, उस वक्त हालात ही ऐसे बने। हालात चाहे जैसे भी हो अम्मी, सच तो यह है कि जो कुर्बानी आप लोगों ने मुझसे ली है ना, उसे मैं कभी नहीं भूलूंगी। उसके लिए मैं आप लोगों को कभी माफ भी नहीं करूंगी। आप सब मेरे मुजरिम हैं।